हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर लीनियर कोरिलेशन में आज जो है न्यू फॉर्मूला देखते हैं, शॉर्टकट मेथड वाली। तो जब भी एक्स और वाई की वैल्यूज बड़ी बड़ी दी गई हो तो डायरेक्टली जो है हमको यू और वी वाली फॉर्मूला अप्लाई करके और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सीधा ढूंढ लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, तो उसके हिसाब से हम कॉलम बनाएंगे। R इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू उसका स्क्वायर, फिर एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी उसका स्क्वायर। तो सबसे पहले कॉलम चाहिए हमको U का। U का मतलब है आप x के कॉलम में से कुछ भी माइनस करो या कुछ भी प्लस करो, x के कॉलम को किसी भी नंबर के साथ कांस्टेंट के साथ डिवाइड करो या किसी भी कांस्टेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करो, कैसे भी करके आपको x का कॉलम जो है वो छोटा बनाना है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, x में सबसे छोटी वैल्यू है 141 और सबसे बड़ी वैल्यू है 149, इसकी एवरेज निकाल देंगे। तो 250 and 90 की एवरेज 145 वो माइनस कर देंगे। कैसे दिया हमने, लोएस्ट वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू डिवाइड बाय 2, लोएस्ट प्लस हाईएस्ट डिवाइड बाय 2 करके वो वैल्यू माइनस कर देंगे। इन सब में से 145 माइनस करेंगे तो -4 -1 -3 0 2 1 4 n। फिर इधर आते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू है 68 और सबसे छोटी वैल्यू है 62। तो 60 and 60 120 130 का जो है हाफ कर देंगे 65। तो v इज इक्वल टू लेंगे y माइनस 65, सब में से 65 माइनस कर देंगे। कैसे, सबसे छोटी वैल्यू प्लस सबसे बड़ी वैल्यू डिवाइड बाय 2, यू वी बन गया अभी यू स्क्वायर वी स्क्वायर एंड यू वी। फिर से देख ले, इन सब में से 145 माइनस किया तो -4 -1 -3 0 2 1 4 एंड 3, इन सब में से 65 माइनस किया तो -3 -1 -1 0 -2 1 3 2, इसकी स्क्वायर करेंगे तो 16 1 9 0 4 1 16, इनकी स्क्वायर करेंगे तो 9 1 1 0 4 1 9, इसकी स्क्वायर करेंगे 4 3 12 1 3 0 -2 1 12 and 6, यू एंड वी का जो है प्रोडक्ट निकालना है। अब इसका टोटल करेंगे तो 3 के सामने 3 गया, 4 के सामने 4 गया, 1 के सामने 1 गया, तो बच्चा क्या, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अभी इधर आएंगे, 1 के सामने 1 गया, 3 के सामने 3 गया, ठीक है, 1 के सामने 1, 3 के सामने 3 और -2 के सामने 2, तो बच्चा क्या, -1। फिर से देख ले, 6 है, 6 में से 2 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, 2 में से 3 गया तो -1। इसका टोटल करें 10 and 20 30 40 50 56, फिर से 10 and 20 30 40, ठीक है, 10 40 50 56, इसका टोटल करेंगे हम
टेन एंड टेन, ट्वेंटी, ट्वेंटी वन एंड एट, ट्वेंटी नाइन। इधर आते हैं तो 12, 13, 14, 15, 16, 16 में से 2 गया तो 14 एंड 12, 14 एंड 12 तो 26, 27 एंड 30, एन है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। वैल्यू रख दें हम 8, सिग्मा यूवी है अपना 33, 12 एंड 12 फिर से देख लें मिस्टेक नहीं हो, 24 एंड 6, 30, 31, 32 एंड 3, 35 में से 2 गया 33। फिर आ जाएं हम सिग्मा यू तो वो है 2, सिग्मा वी है -1 एन 8, सिग्मा यू स्क्वायर है 56 सिग्मा यू है 2 इसकी स्क्वायर, सिग्मा वी स्क्वायर तो वो है 29 माइनस -1 की स्क्वायर, यू आर 264 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 448 माइनस 4 ये आ जाएंगे तो 264 जहां तक हो सके कैलसी का यूज नहीं करना चाहिए, यहाँ से लेंगे हम कैलसी तो डिवीज़न में आ जाएंगे 264 रूट ऑफ 444 इंटू 231 तो 102564 डिवाइड बाय है 320 तो 0.825 दैट मीन्स 0.83 सो आर इज इक्वल टू 0.83। इस तरह से जब भी बड़ी वैल्यूज दी गई हों तो आपको क्या करना है, यू और वी का कॉलम बनाना है। यू और वी कैसे बनाएंगे तो एक्स में से कुछ भी सब्सट्रैक्ट कर दो, एक्स के कॉलम में से कोई भी सब में से एक वैल्यू, तो वो वैल्यू मैंने कैसे फाइंड की, सबसे छोटी वैल्यू प्लस सबसे बड़ी वैल्यू दोनों की एवरेज निकाली 141 प्लस 149 डिवाइड बाय 2। फिर y के लिए v का कॉलम बना हमने तो 62 प्लस 68 डिवाइड बाय 2, तो मतलब x और y के कॉलम को आप उसमें से कुछ भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसमें कोई भी कांस्टेंट दोनों में ऐड कर सकते हो, किसी के साथ भी डिवाइड कर सकते हो, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करके आपको यू और वी का कॉलम बनाना है, छोटे से छोटी वैल्यू मिले। उसके बाद यू स्क्वायर वी स्क्वायर और यू वी किया, इन सब का स्क्वायर करते गए, वी के लिए इन सब का स्क्वायर किया, वी स्क्वायर मिला, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला यू वी, पाँचों कॉलम का टोटल किया, फॉर्मूला में आए तो एन है 8, 8 पेयर्स है, सिग्मा यू वी का टोटल लिया, सिग्मा यू का सिग्मा वी का अंडर रूट आए एन, सिग्मा यू स्क्वायर का टोटल माइनस सिग्मा यू उसकी स्क्वायर। हमको पता है ये टोटल इसका है और ये वाला सिग्मा यू उसका जो टोटल है उसकी स्क्वायर है। फिर मल्टीप्लाई में आए डिवीजन में तो एन अंडर रूट सिग्मा वी स्क्वायर का टोटल माइनस सिग्मा वी उस टोटल का स्क्वायर, वी के टोटल का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दिया तो आर हमको मिल गया 0.83। नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि अगर हमको कुछ ऐड करना हो या कुछ मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरह से होगा।